Hi everyone! कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जयसवाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर में तो दोस्तों कैसे हो यार अच्छी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे कि नहीं सबसे पहले comment करके बताओ यार टेंथ है टेंथ बोर्ड है यार एक ही मौका मिलेगा जिंदगी एक ही मौका देती है सक्सेस पाने का यार ये मौका नहीं छोड़ना है हमको दसवीं का बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है अब जो बच्चा अपने माइंड में एक चीज डाल दिया है कि यार दो से तीन महीने के बाद मेरा बोर्ड एग्जाम आने वाला है ना तो यार वो तो जरूर से सक्सेस पाएगा जरूर से उसने 1995 का टारगेट बनाया होगा तो वो अचीव करेगा लेकिन जो बच्चा आज भी आराम कर रहा है ना और वो सोच रहा है कि ठीक है यार तीन महीना है आराम से कर लेंगे फिर तीन महीना में बीतेगा फिर दो आएगा फिर एक आएगा फिर ऐसे करते करते बुम आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो फिर अरे भैया कुछ पढ़ के ही नहीं हुआ कैसे होगा तो यार टेंशन मत लेना सब चीज होगा लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो की जरूरत करने की जरूरत है और ये जो स्ट्रैटेजी है ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है हमारे चैनल के सेक्शन में आप जाओगे या फिर आप लाइव सेशन जो हमने लिया है ना उसके सेक्शन में जाओगे तो हमने एक टेंथ का ना स्ट्रैटेजी वीडियो कंप्लीट अच्छी तरीके से तैयार किया है जिसमें हमने पूरा चीज एक्सप्लेन किया है कि आपके कितने दिन बचे हैं कौन से चैप्टर्स को कितना पढ़ना है कितना समय देना है कब रिविजन आएंगे ये सभी चीज का प्लान रेडी करके मैंने बनाया हुआ है तो जरूर से जाके वो टेंथ का स्ट्रैटेजी वीडियो देख ले और आज जो वीडियो है ना ये स्पेशली साइंस टू के लिए है, टेंथ के बच्चों के लिए अब जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे चैनल पे अवेलेबल है साइंस मैथ हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक्स, साइंस जो है वो सब चीज है इंग्लिश ग्रामर भी है लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये हमारा दूसरा बैच है डिजिटल बोर्ड जब आया वापस से नया बैच चालू किया आपके डिमांड के कारण तो यहां पे ना हम चौथे चैप्टर तक पहुंचे साइंस टू में बात करें और भी पांच छह चैप्टर बचे तो वो भी हो जाएगा कंटिन्यूसली बहुत कम समय लगता है दोस्तों ये सब चीज कंप्लीट करने में तो आपको चिंता नहीं करना है वक्त के पहले लगभग जनवरी के पहले ही आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा और लाइव रिवीजन वन शॉट एल सीरीज वो सभी चीज स्टार्ट हो रहे होंगे सेम पिछले साल जैसा आज हमारा तीसरा लेक्चर है और ये चैप्टर जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा आज आपको क्या करना है बस तो इंस्टाग्राम है आपके लिए ठीक है टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए बनाया गया जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एंड में मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए और ये सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो जरूर से जाके विजिट कर लेना और आज के टॉपिक जो आप देखोगे हमें बात करना इनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में बायोडिवर्सिटी के बारे में हॉटस्पॉट्स के बारे में फिर उसका रोल क्या है इन्वायरमेंट में वो बात करेंगे हॉटस्पॉट और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो तैयार हो जाइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले आज के टॉपिक का जो है, कि है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडिवर्सिटी अब जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यार हमारे पूरे भारत देश में या फिर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ या फिर मैं पूरे पृथ्वी की बात करूँ जो अर्थ में हम लोग रहते हैं इसका इन्वायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है क्यों देर आर सो मनी रीजन पॉल्यूशन वन ऑफ द मेजर रीजन जो जिसके वजह से इन्वायरमेंट हमारा खराब हो रहा है हमने बात की थी ग्रीन हाउस की हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की ये सभी चीज है तो पोल्यूशन एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन दिस आर द मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच आर कॉजिंग दिस टाइप ऑफ इनवायरमेंटल क्राइसिस ठीक है तो ये चीज को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा हमने जिक्र किया था लेकिन आज का जो टॉपिक है बायोडावर्सिटी से रिलेटेड तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक डायर्सिटी अब देखो ये जेनेटिक डायवर्सिटी होता क्या है आपने ये वर्ड अगर आप गौर करोगे तो क्या लिखा हुआ है जेनेटिक जेनेटिक का मतलब होता है जींस तो नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात किया जाए जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्रकार का डाइवर्सिटी दिखा रहा है डाइवर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में विविधता यानी कि एक तरीके से वराइटीज ठीक है ना क्या होता है वराइटीज होती है डाइवर्सिटी का मतलब एक तरीके से विविधता अलग अलग टाइप के लोग होते हैं सेम उसी प्रकार के अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनके जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है अगर यहां पे पर प्रॉपर तरीके से बात करूं यहां पे जितने भी सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म है जिनका एक तरीके से क्या हो जाएगा जेनेटिक अपियरेंस सेम हो जाएगा तो उस टाइप के डायवर्सिटी को हम लोग क्या बोलेंगे जेनेटिक डायवर्सिटी ध्यान से सुनना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो जेनेटिक डायवर्सिटी की मैं जो बात कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि यहां पर जो मेंबर्स होना होते हैं ना ये अक्सर इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए अब रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व क्यों होते हैं क्योंकि सबसे पहली बात यार कोई भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोडक्शन जरूर करता है ठीक है हमें प्लांट्स को थोड़ा बाजू में रखूंगा क्योंकि प्लांट्स में असेक्शुअल तरीके से रिप्रोडक्शन होता है लेकिन नॉर्मली बात करें हम लोग जो एनिमल्स होते हैं हायर एनिमल्स की मैं बात करूं ह्यूमन बींगस जो होते हैं ये सभी में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है करेक्ट है और इनका रिप्रोडक्शन करने की वजह से इनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से लेके बच्चों तक ये ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीजें चलती आती है तो जेनेटिक डायवर्सिटी क्या हो जाएगा कि जितने भी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है अगर वो कुछ जेनेटिक डायवर्जन दिखा रहे हैं जेनेटिक डाइवर्जन मतलब क्या होता है कि हो सकता है सेम प्रकार के जीव है लेकिन इनका जीन अलग अलग हो ठीक है जैसे कि आप अगर एक वुल्फ को देख लो वुल्फ क्या होता है भेड़िया और एक आप डॉग को देख लो हस्की डॉग देखा है आपने कभी ठीक है ना बहुत सारे वैसे तो ब्रीड होते हैं तो आप इन दोनों को जब देखोगे ना हस्की डॉग देख लेना और साथ में ना ये अपना जिस क्या नाम लिया मैंने वुल्फ ये दोनों को देखोगे ना तो यार दोनों में ना कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी नजर आएगी यार बोलोगे यार ये दोनों तो कुत्ते ऐसे दिख रहे हैं ठीक है कुत्ता यानी डॉग ठीक है ना तो गाली समझोगे मेरे को बोलोगे सर गाली दे रहे गाली नहीं, नहीं कुत्ता मतलब डॉग होता है ठीक है अब यहां पर एक चीज जो है दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है लेकिन फिर भी दोनों दोनों अलग जानवर है क्यों बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी बिकॉज दोनों के अंदर जो जीस है वो टोटली डिफरेंट है बट उनके कहीं कही ना कहीं क्या होंगे कॉमन एंसेस्टर होंगे जो आप लेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ोगे दैट इज नथिंग बट द कॉमन एंसेस्टर जैसे कि हम बंदर से आए हैं लेकिन यार बंदर तो और भी है वो क्यों नहीं इंसान बने अब बंदर से चिंपांजी भी आए तो चिंपांजी भी है बंदर भी है तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे अभी तो आप दसवीं में हो तो ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है दूसरी हम लोग बात करेंगे क्या है स्पेसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज का मतलब आप जानते हो कि देखो पहली बात तो दुनिया में बहुत ही विभिन्न प्रकार के स्पीसीज प्रेजेंट है अब अब आ जाते हैं हम लोग वो डॉग वाले एक्साम्पल पे जैसे हमने डॉग का एग्जाम्पल देखा अब डॉग में हस्की भी होता है जर्मन शेफर्ड भी होता है और क्या होता है लैब्राडोर भी होता है और भी नाम याद दिला कमेंट सेक्शन आपके लिए भरा पड़ा है आपके घर में भी होंगे मैं मैं नहीं पालता मुझे पेट उतने नहीं पसंद है लेकिन बहुत सारे लोग जो है पेट पालते हैं अब डॉग में हमने देखा इतने सारे टाइप के डॉग है कुछ इंडियन ब्रीड भी होते हैं मिक्स ब्रीड भी होते हैं ठीक है अब ये जो डॉग है है तो डॉग ही है ये लोग क्या डॉग है ये लोग लेकिन फिर भी इनकी जो स्पीसीज है यानी नस्ल जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में ये नस्ल जो है वो अलग अलग है तो स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या हो गया कि देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ लेकिन फिर भी इनके कैटेगरीज जो है इनके स्पेसीज जो है वो अलग अलग है और अगर ऐसा होता है कि इनके स्पेसीज में भी बहुत सारे डायवर्सन देखने मिल जाते हैं डायवर्सिटी देखने मिल जाते तो उस चीज को क्या कहेंगे सिंपल तौर पर स्पेशज डायवर्सिटी सिंपल कितना सिंपल है ना याद रखना इसको अब आप बोलते हो सर एक बच्चे का कॉमेंट आज देख रहा था इंस्टाग्राम पे भी आया था बोलता है सर साइंस टू सबसे हार्ड लगता है मैं तो बोलता हूं साइंस टू सबसे इजी कुछ है ही नहीं पूरा थियोर चीज है बस अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो वीडियोस देखो कॉन्सेप्ट समझो और उसको याद करो क्वेश्चन को एकदम लगे रहो याद करने में आंख बंद करके रट्टा नहीं मारना है आंख बंद मुंह मुख्ला रट्टा मारने लगे ऐसा नहीं करना है समझ में नहीं आएगा फिर समझो उस चीज को क्या है उसका मतलब फिर रट्टा मारो यार देखो कितना मजा आएगा पढ़ने में और वो चीज ज्यादा देर तक ज्यादा टाइम तक याद भी रहती है समझ में आया अब तीसरा जो जो हमने बात किया ठीक है क्या है इकोसिस्टम डायवर्सिटी बराबर तीसरा ति, जो टाइप है वो क्या है इको सिस्टम डायवर्सिटी अब इको सिस्टम डायवर्सिटी क्या होता है जैसे हमने इको सिस्टम डिस्कस किया था क्या होता है इको सिस्टम दट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स वॉट आर द बायोटिक फैक्टर्स वॉट आर फैक्टर्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लेना लेक्चर नंबर वन टू जाके बायोटिक एंड अबिक दोनों डिस्कस किया था लेकिन इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इको सिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं और जो सिस्टम होता है उसी को इको सिस्टम बोलते हैं ठीक है थीके? तो हमने डिस्कस किया था देर आर सो मेनी टाइप ऑफ इको सिस्टम एक पॉन्ड एक तालाब भी एक इको एक एक सिस्टम है क्योंकि उसके अंदर भी अपनी दुनिया है ना जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी अपनी अपनी क्या है दुनिया है कुछ ऐसी दुनिया है जो जंगल में रहती है कुछ दुनिया ऐसी है जो जमीन इको रहती है कुछ ऐसी दुनिया जो पानी में रहती है 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 तो हर एक एक टाइप का क्या है? अपना अपना इकोसिस्टम एक 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 और वो जो इकोसिस्टम है ना वो इंटरैक्ट होता है किसके किसके बीच में प्लांट्स के 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 बीच 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 में 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 एनिमल्स एज एज वेल ह्यूमन और इन्हीं के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना इसके लिए जितने भी टाइप के प्लांट्स हो रहे हैं जितने भी टाइप के एनिमल्स हो रहे हैं ये अपने अपने हिसाब से जिंदगी भी जी रहे हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका जो हैबिटेट है रहने का वो भी अलग अलग है आप देखो कुछ जानवर

तीनों हो गया ये था हमारा हॉटस्पॉट इन द डायवर्सिटी ये पहला टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है अब दूसरा अगर हम बात करें जो सेकंड टाइप का टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों सेक्रेट ग्रुप सेक्रेट ग्रुप्स मतलब क्या होता है पहली बात तो इसका मतलब का मतलब समझो ग्रुप्स का होता है नॉर्मल तौर पर बात करूं तो प्लांट्स ठीक है और सेक्रेट का मतलब होता है हिंदी में इसको एक वर्ड से जाना जाता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पवित्र मेरे हिंदी की हैंडराइटिंग काफी ज्यादा खराब है और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं आप देख सकते हो कितनी खराब मैंने हैंडराइटिंग निकाली है और मैंने हिंदी में पूरे स्कूल लेवल पे सेकंड रैंक निकाला हुआ है रैंक में सोचो यार <laughs> अब हंडराइटिंग देख लो जब मैं स्कूल में पढ़ता था दसवीं में आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मेरे को हिंदी में हंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में सेकंड रैंक का अवार्ड मिला हुआ है पूरे स्कूल में सोचो यार पांच सौ बच्चे होंगे उसमें से और आज मेरे हंडराइटिंग देखो ठीक <laughs> है तो फर्क पड़ता है यार एक एज होने के बाद हम लोग कंटिन्यूस इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी मराठी लिखना भूल जाते हैं करेक्ट है ठीक है तो पवित्र होता है सैक्रेड का मतलब तो सैक्रेड ग्रूव का मीनिंग देखा जाए पवित्र प्लांट्स यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सेक्रेड घोषित किया जाता है जैसे कि आज एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता तो हूं हम सबके घर में तुलसी होती है ठीक है हम तुलसी को ऐसे काट नहीं सकते डायरेक्टली या फिर फेंक नहीं सकते पैर भी लगता है तो हम उसको ऐसा हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग वो करते हैं ठीक है ना है कि नहीं वो चीज समझ में आता है क्यों क्योंकि वो उसको सेक्रेड माना जाता है ठीक है उसको क्या पवित्र माना जाता है तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स तो ना ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट है बहुत सारे ऐसे जंगल है जिनको क्या किया जाता है टू टू बी बी इट इज ए यानी कि ये जितने भी प्लांट्स होते हैं उस जंगल में या फिर जो पूरा का पूरा जंगल जो होता है, होता है है फॉरेस्ट उसको घोषित कर दिया जाता है और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं जो बहुत सारे सेंचुरीज होते हैं सेंचुरीज पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है जैसे प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के सेंचुरीज होते हैं जहां पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वराइटीज ऑफ प्लांट्स आपको देखने मिल जाते हैं इस प्रकार ऐसे ऐसे टाइप के प्लांट्स को चुरी को क्या किया जाता है सेक्रेट घोषित किया जाता है और इसके अलावा अगर मैं बात करू यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है कि यहां पे ना वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया जैसे कि आप जानते हो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो हमारे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो पूरा फैला हुआ है वेस्टर्न घाट्स जैसे सयादरी रेंज है वैसे ही वेस्टर्न घाट भी है तो वेस्टर्न घाट्स के आसपास जितने भी जंगल है ना ये सभी को सैक्रेड माना जाता है बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और लगभग मोर देन थर्टीन थाउजेंड सैक्रेड इन इंडिया कितना तेरह हजार देखो बहुत बड़ा नंबर है ये टीन थाउजेंड सैक्रेड है इंडिया में रिपोर्ट किया गया है और ये तो ऑन पेपर है ये तो ऑन पेपर है वैसे कितने और होंगे जो अनऑफिशियल तरीके से लोग उसको मानते होंगे करेक्ट है समझ में आ गया तो ये सभी चीज का एक लिस्ट आप तैयार कर सकते हो वैसे क्वेश्चन इतने नहीं आते आज तक मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में लेकिन फिर भी आप जनरल नॉलेज के तौर पे इसको याद रख सकते हो क्लियर समझ में आ गया तो ये था आपका कौन सा टॉपिक सेकंड टॉपिक जिसका नाम था सेकंडेड ग्रुप अब इसके अलावा भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि है दोस्तों ये है माई रोल इन वोमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है हमें इन्वायरमेंट की रक्षा करनी है क्यों क्योंकि यार अगर ऐसे ही इन्वायरमेंट खराब होते गया ऐसे ही हवा हमारा दूषित होता गया पानी खराब होते गया जमीन जिसपे हम रह रहे वो खराब होते गया तो हम रहेंगे कैसे जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि आज से पचास साल पहले जब पहली बार किसी ने बॉटल में पानी भर के बेचा होगा तो लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे या फिर किसी ने खरीदा होगा तो लोग मजाक उड़ाते होंगे कि यार ये पानी बॉटल में भी, भी बिक सकता है कौन खरीदेगा यार हमारा पानी तो नल में फुकट आ रहा है लेकिन आज देखो वही पानी बोतल में भर के कितनी सारी अनगिनत करोड़ों की कंपनी हो गई और लोग आज भी वो बोतल खरीद के पीते हैं वो भी शौक से पीते हैं बड़े बड़े बिस्लेरी के बीस बीस चालीस चालीस लीटर के आने लगे आज आजकल तो पीते कि नहीं पीते आजकल कोई कुएं का पानी नल का पानी नहीं पी रहा है आज सब वो बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं करेक्ट है और बिस्लेरी का यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मेरे मुझसे जो निकला वो बता दिया ठीक है सबसे पहली बात और दूसरी बात यह है कि ये चीज हो गया तो आज हम लोग पानी के नाम पे ऐसा सोचते हैं तो सोचो यार आज से 50 100 साल के बाद 200 500 साल के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग जो बिंदास होकर ले रहे हैं ना अपनी खुद की प्रॉपर्टी समझ के हो सकता है आने वाले पचास सौ साल के बाद ये भी सिलेंडर में बिके और ये बिकना स्टार्ट हो भी गए हैं दिल्ली में बहुत सारे ऐसे पब्स हैं जैसे आता है ना पब नाचने गाने जाते हैं लोग तो ऐसे बहुत सारे पब है जिसमें छोटे छोटे कैंस में ऑक्सीजन को फ्लेवर डाल के बेचा जाता है और लोग बड़े शौक से उसको खरीदते हैं और वो ऑक्सीजन को सूंघते हैं और काफी मजा करते हैं और उसकी कीमत आप जानोगे तो हजारों में है ठीक है तो ऐसे ऐसे लोग भी है और ऐसा जमाना आने वाला है ठीक है तो यह भी चीज हो सकता है तो ये चीज ना हो फ्यूचर में हमारे बच्चों के साथ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यार खुद को इन्वायरमेंट के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना एनवायरमेंट को बचाना पड़ेगा तो क्या करोगे करोगेमेंट को बचाने के लिए कुछ फैक्टर्स है जो मैं यहां पे लाया हूं माई रोल इन एनवायरमेंट क्या हो सकता है सबसे पहले तो यार अवेयरनेस क्रिएट करो एडुकेशन सबको एडुकेशन दो यार सबको बताओ कि यार ये जो आप गाड़ियां चला रहे हो एकदम ठीक है ना बिना मतलब का कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो ये कितना नुकसानदायक है मुझे एक बात बताओ ना जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला होगा दुनिया में कितने करोड़ लोग है तो क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन कितना हो जाएगा समझ सकते हो तो पॉसिबल नहीं है पहली बात तो लेकिन सोच सकते हो गाइडेंस दे सकते हो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो जितना ज्यादा हो सके ठीक है ना इनिशिएशन ले सकते हो खुद ही सामने आओ लोग को बताओ पेड़ का मतलब पेड़ ज्यादा उगाओ ठीक है ना उगाओरस्ट्रेशन करो ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं ऐसे कई सारी चीजें हैं इसके अलावा आप जितने भी हार्मफुल फैक्टर्स हैं के उसको आप कंप्लीट कर सकते हो मतलब खत्म कर सकते हो ठीक है ना इनोवेशन कर सकते हो कुछ इनोवेट कर सकते हो इसके अलावा कुछ क्या कंट्रोल कर सकते हो प्रिवेंटिंग द हार्म जितने भी नुकसानदायक चीजें उसको हटा सकते हो हार्मफुल एक्टिविटीज को हटा सकते हो माइंडसेट लोगों का चेंज कर सकते हो इसके अलावा आप कंजर्वेशन कर सकते हो अवेलेबल रिसोर्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है चाहे वो प्लांट्स हो चाहे पानी हो जमीन जमीना सब कुछ हो ये सभी नेचुरल रिसोर्स एक टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपने पढ़ा भी होगा तो यार नेचुरल नेिसोर्स को हमें बचाना है अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा ठीक है ना हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ेंगे तो वो बोलेंगे यार हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं तो हम क्या ऐसा बोलेंगे है कि नहीं तो प्रिजर्विंग हैज बीन लेफ्ट यार अभी बचा लो जो बच रहा है नहीं तो हो सकता है सौ साल के बाद वो भी ना बचे जो हमारे पास है हमारे आने वाली पीढ़ी के पास ठीक है तो रेमेडीज टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस कुछ फर्दर लॉस नहीं होने देना है प्रिजर्विंग द अनोन रीजन जितने भी अनोन रीजन है उसको प्रिजर्व करना है बहुत सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग का एक्जाम्पल बताया था अंटार्क्टिका पिघल रहा है बर्फ पिघल रहा है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्या होगा पिघलने के बाद खत्म हो जाएगा पृथ्वी डूब जाएगी या सुनामी आ जाएगा हर जगह इतने पानी है उसके अंदर ठीक है तो ये सब चीज होने नहीं देना है चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं डायरेक्ट क्या है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडिवर्सिटी आप देखो ये जो टॉपिक है ना इसकी अगर मैं बात करूं हॉटस्पॉट की तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर मैं बात करूं लगभग लगभग अगर मैं बात करूं इस हॉटस्पॉट रीजन की तो लगभग कितना 34 फोर हाईली सेंसिटिव बायोडिवर्सिटी स्पॉट है हमारे वर्ल्ड में कितने 34 कितनी में बात कर रहा हूं 34 फोर हाईली सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव हॉटस्पॉट रीजन हमारे पूरे किसमें आते हैं वर्ल्ड में आते हैं और इसमें अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में 34 फोर हाईली सेंसिटिव हॉटस्पॉट तो है लेकिन इसमें से अगर मैं बात करूं कि ये जो एरिया है ना ये लगभग 15.7 परसेंट ऑफ एरिया को ऑक्युपाई कर रहे हैं हमारे पृथ्वी का 15.7 परसेंट एरिया हमारे पृथ्वी का यार पृथ्वी पे ही रहते हैं ना मार्स पे तो नहीं नजरे तो मस्क जैसा चलो अर्थ का काम करता है मार्च में चलते हैं यार उतने अमीर भी नहीं है हम लोग ठीक है कि मार्च पे चले जाए तो 15.7 परसेंट एरिया अर्थ का ये कवर करता है और लगभग आज के डेट में 86 परसेंट ऑफ सेंसिटिव एरिया जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है डिस्ट्रॉय हो चुका है मतलब ये जो सेंसिटिव एरिया है ना हॉटस्पॉट जो एरिया है ये एट्टी आज के डेट में डिस्ट्रॉय हो चुका है और बचा हुआ 14 परसेंट है यार, इसको बचा लेंगे तो भी हमारी पीढ़ी बहुत सुधर जाएगी बहुत अच्छे से जी पाएगी तो इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है हॉटस्पॉट रीजन को भी कंजर्व करना है लगभग प्रेजेंट अगर मैं बात करूं कि हमारे अर्थ के ऊपर लगभग टू जो एरिया है लगभग टू थ्री परसेंट जो एरिया है दोस्तों वो क्या है यहाँ पे अर्थ के ऊपर बचा हुआ है जो कि सेंसिटिव काफी ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट्स माना जाता है क्या माना जाता है सेंसिटिव स्पॉट्स माना जाता है और जिसके अंदर लगभग अगर मैं बात करूं लाख लाख कितने लगभग इतने, इतने ज्यादा सोचो डेढ़ लाख प्लांट कभी देखा है जिंदगी में एक ही साथ ऐसा तो देखा होगा अलग अलग लेकिन एक ही साथ प्लांट देखा है, कितना जंगल होगा अगर आप इमेजिन करोगे तो डेढ़ लाख स्पीसी स्पीसी बोल रहा हूं नंबर भी नहीं बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं डेढ़ लाख प्रजाति डेढ़ लाख टाइप के ठीक है पेड़ लगभग यहां पे अगर मैं बात करूं हमारे किसमें प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर बचे हुए हैं ठीक है समझ में आ रहा है और इंडिया को अगर हम बात करें तो लगभग डेढ़ सो वन थर्टी फाइव स्पेसीज एक सौ पैंतीस टाइप के स्पेसीज हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं किसके मैं बात कर रहा हूं एनिमल्स के ठीक है ना ये सब डेटा आपके बुक में लिखा हुआ है आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा और लगभग एटी फाइव स्पेसीज जो है वो ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है इसमें से एटी फाइव जो है वो कहां पाए जाते हैं हमारे ईस्टर्न पार्ट में क्योंकि हमारा इंडिया का जो ईस्ट वाला पार्ट है ना वहां पे क्या आता है वो नागालैंड आसाम और फिर बहुत सारी चीजें जो आती है वो वो साइड में ईस्ट में ना काफी हरियाली काफी ज्यादा हरियाली है यहाँ पे तो एट्टी फाइव परसेंट जो है वहां पे ईस्टर्न साइड में ठीक है ना ईस्ट साइड में पाया जाता है इसमें से लगभग बात करें तो कितना बोल रहा है पंद्रह सौ एंडेमिक प्लांट स्पेसिज जो है वो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं कितने हमारा जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट आता है वेस्टर्न घाट जो हमारे महाराष्ट्र में आता है उसमें कितना बोल रहा है यहां पे इसमें बोल रहा है पंद्रह सो एंडेमिक एंडेमिक मतलब क्या हो सकता है खत्म कभी भी हो सकता है एंडेमिक मतलब कभी भी खत्म हो सकता है वो मतलब अपने कगार पे है एक्सटिंक्शन के तो यार अगर इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हो सकता है खत्म हो जाए फिर वो टाइप के प्लांट्स या फिर एनिमल्स हम देख नहीं पाएंगे जिंदगी भर ठीक है तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं ठीक है पूरे वर्ल्ड का पचास हजार में से अगर मैं बात करूं पंद्रह हजार पंद्रह सो टोटल पचास हजार में से पंद्रह सो तो हमारे से वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं तो इस प्रकार से चीजें हैं बायोडावर्सिटी के हॉटस्पॉट रीजन के तो यार उसको प्रोटेक्ट करना है और एक लास्ट टॉपिक है उसको भी देख लो फटाफट से जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रिएटन स्पेसीज थ्रेटन स्पेसीज मतलब क्या होता है खतरे वाले स्पेसीज आपने व्हाइट लायन देखा है क्या जिंदगी में व्हाइट लायन सफेद कलर का लायन व्हाइट टाइगर सफेद लायन नहीं सॉरी व्हाइट टाइगर बाघ बोलते हैं टाइगर को लायन टाइगर अलग, अलग अलग होते हैं कंफ्यूज मत होना नहीं तो मैं भी मेरे जैसे कंफ्यूज हो जाओगे टाइगर इज डिफरेंट लायन इज डिफरेंट तो व्हाइट टाइगर आपने देखा है बहुत रेयरेस्ट होते हैं तो सोचो ऐसे भी जानवर होते हैं जो आज के डेट में अपने खत्म होने के कगार पे यानी थ्रेटर्ड स्पीसीज बनने वाले हैं ठीक है एकदम खतरे वाले कगार पे हैं। जैसे चीता हमारे देश में थे ही नहीं आपने बीच में सुना होगा ना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे सबके फेवरेट दुलारे ठीक है वो गए मस्त नबीबिया और दो दो चीता लेके आए करेक्ट है क्या जरूरत थी लाने की जरूरत थी क्योंकि उनका स्पेसिस हमारे इंडिया में है ही नहीं और जब इंडिया में नहीं है तो यार ऑब्वियसली बायोडिवर्सिटी पे उसका फर्क पड़ता है तो मस्त पे कि दो चीता लेके आए उन्होंने रिप्रोडक्शन किया अब धीरे धीरे और भी चीता आएंगे फिर चीता ही चीता होंगे है कि नहीं मजा आएगा फिर ठीक है तो सबसे पहला जो टॉपिक है क्रिटन स्पीशीज में वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब ऐसा स्पीशीज जो एकदम खतरे वाला है कभी भी खत्म हो सकता है कभी भी लुप्त तो हो सकता है मतलब गायब हो सकता है खत्म हो जाएगा तो ऐसे नंबर ऑफ स्पीशीज जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनकी जो हैबिटेट होती है जिनकी जो तादाद होती है वो काफी तेजी से क्या हो रही है श्रंक हो रही है श्रंक मतलब खत्म होती जा रही है ठीक है काफी जल्दी जल्दी इनका जो नंबर है वो खत्म होते जा रहे हैं। हो सकता है इनकी डेथ नेचुरल हो रही हो या फिर कोई मार रहा होगा इसको तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर में बात करूं यहां पर वो है लायन टेल्ड मंकी मतलब एक ऐसे बंदर होते हैं जिनकी पूछ शेर जैसी होती है बहुत रेयरेस्ट होते हैं लेकिन है लेकिन अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाएंगे तो हमें बचाना है तो ऐसे कई सारे से आपके बुक में मिल जाएंगे तो इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना आप लोगों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से वाला ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है दूसरा है रेयर स्पीसीज रेयर मतलब क्या होता है यार रेयर मतलब रेयर ही होता है ना यार बहुत कम ऐसे जानवर बहुत जल, कम देखने मिल जाते हैं मतलब देखने ही नहीं मिलते रेयर होते हैं रेयर स्पीसीज तो यार ऑब्वियसली रेयर स्पीसीज को तो हमें बचाना है जैसे कि इसके जो नंबर है ना बहुत ही तेजी से क्या होते रहे डिक्लाइन होते जा रहे हैं मतलब कम होते जा रहे हैं ऑब्वियसली किसी रीजन के वजह से हो सकता है नेचुरल हो, हो सकता है मैनमेड हो मतलब इंसान द्वारा खत्म किया जा रहा हो तो डिक्लाइन होते जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं रेड पांडा पांडा आप सभी को पता होगा

और मैं एक बार गया था मैं नाम नहीं लूंगा उस नेशनल पार्क का मैं नेशनल पार्क गया था सोचा था मस्त कि शेर देखने मिलेगा यार शेर तो नहीं बंदर देखने मिले मेरे को ठीक है ऑनेस्टली बोल रहा बंदर देखने मिले शेर देखने नहीं मिले मतलब यार इतनी तादाद कम हो गई है कि जो यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ना उसमें भी आजकल शेर देखने नहीं मिलते हैं तो सोचो इनकी तादाद कितनी जल्दी डिक्रीज होती जा रही है वलनरेबल हो गए काफी ज्यादा एंड लास्ट बट नॉट द दलिश जो की है इन डिटरमिनेट स्पेसी अब इन डिटर्मिनेट स्पेसी का मतलब क्या होता है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि ये पहली बात तो खतरे के कगार पे तो हैं

जायंट स्क्वेरल आपको गिलहरी पता है स्क्वेरल बोलते हैं उसको गिलहरी लेकिन एक बड़ा काफी बड़ा साइज का ना जेंट्स जायंट होता है जिसको ना एक कॉमन नेम दिया गया है हमारे भारत देश में जिसको शेखरू के नाम से जाना जाता है क्या कहते हैं शेखरू याद रखना तो शेखरू जो है ना ये कॉमन टाइप का क्या है कॉमन टाइप का ये आपके लिए जायंट स्क्वेरल है ठीक है क्या है जायंट स्क्वेरल है जो कि एक इनडेटर्मिनेट टाइप का है। तो ये कुछ स्पेसीज़ है ये आपको नाम रख, याद रखना है और कौन कौन से स्पेसीज़ और कौन से टाइप को क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं ये सभी चीज आपको लर्न करके रखना है ठीक है क्लियर समझ में आ गया तो बस यही था दोस्तों हमारा आज के इस लेक्चर में और इसी के साथ आपका ये जो खूबसूरत सा चैप्टर था, था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ये होता है टोटली हंड्रेड परसेंट कंप्लीट सब टॉपिक्स मैंने कवर करा दिया अब आपको बस क्या करना है ये जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं उसके क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे जाके लर्न करो अच्छी तरीके से ठीक है पढ़ाई करते रहो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहो हम अगला लेक्चर फटाफट से लेकर आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर का जो भी सब्जेक्ट है जो भी चैप्टर्स का है वो कंटिन्यूस हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए बस आपके लिए कंटिन्यूस हम मेहनत कर रहे हैं तो यार एक छोटा सा हेल्प आपसे चाहिए बस कि हमारे वीडियोस को जितना हो सके देखो वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो ठीक है तो अगर आपको ये चैप्टर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ और अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ठीक है तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू बेहतरीन वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय